हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ हम शेयर करते हैं छोटे छोटे से टिप्स। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक क्ले का कार्विंग वाला फैंसी बाउल बनाएंगे, तो चलिए आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। फैंसी कार्विंग बाउल बनाने के लिए देखिए हमने ये एक कांच का बाउल लिया है जिसे हमने प्लास्टिक लपेट लिया है, क्लिंग फिल्म लपेट कर पूरा से कवर कर दिया है। कोई भी प्लास्टिक आप इस पर लपेट सकते हैं। और ये देखिए कुछ अलग अलग तरह के मेरे पास में कुकी कटर्स हैं या कोई भी मोल्ड हो या कुछ ऐसी शार्प चीज़ जिससे आप शेप ड्रॉ कर सकें, और या फिर अदरवाइज आप कटर से ड्रॉ कर सकते हैं, आप कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम यूज़ किए हैं एमसील, वाइट एमसील है ये। ये मैंने शिल्पकार यूज़ किया हुआ है जो क्राफ्ट के लिए यूज़ होता है, जो फटता नहीं है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, और कोई भी टैल्कम पाउडर। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें एमसील को मिक्स करना है, ये बाउल पे लगाना है तो थोड़ा थिक चाहिएगा हमें, तो मैंने इसमें 6 एमसील लिए हैं। 6 एमसील को हमें पूरे को मिक्स करना है। मैंने मेरे पहले के वीडियोज़ में भी आपको एमसील मिक्स करना बताया है, बहुत सिंपल है। ये एमसील को देखिए एक पैकेट में इस तरह की दो तरह की आती है एमसिल, इसे अच्छे से टैल्कम, कोई भी टैल्कम पाउडर की हेल्प लेकर हमें मिक्स करना है। तब तक अच्छे से मिक्स करते रहना है जब तक कि पूरा इकसार नहीं हो जाए और हल्का हल्का गर्म सा फील नहीं होने लग जाए हाथ में, जिससे लगेगा कि पूरा हमारा मिक्स हो गया अच्छे से। खूब अच्छे से हम इसे अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में हम इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। 6 एमसील यूज़ करनी है, हमें मोटी बनानी है लेयर, इसके लिए हमने 6 एमसील यूज़ किए। ये देखिए हमारी एमसील पूरी मिक्स हो गई है, ये हमने 6 एमसील लगाई है इसमें, 6 एमसील को मिक्स किया एक साथ में। अब हमें क्या करना है, इसे कोई भी टैल्कम पाउडर लेकर हमें अच्छे से इसे पूरा इसे टैल्कम पाउडर में कर लेंगे, और फिर देखिए इसे पूरा हमें इस तरीके से बेल देना है। इसे हमें इतना बड़ा बेलना है कि हमारा जो बाउल जो हमने लिया है वो पूरा हमारा बाउल इसमें ढक जाए, इसलिए मैंने इतना सारा एमसील लिया था, और थोड़ा थिक भी रहे। ये देखिए, नहीं समझ में आए तो हमारा बाउल लेंगे और उस पर माप कर देख लेंगे कि और कितना बड़ा हमें चाहिए। ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा हम और कर लेंगे। थिकनेस देखिएगा, आप थिकनेस नोट कीजिएगा, थिकनेस इतनी ही रहनी चाहिए हमें, बहुत पतला नहीं करना है इसे, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, इसे हमारे बाउल पे लेंगे हम, और पूरे बाउल पे हम अच्छे से इसे स्प्रेड कर देंगे। पूरा हम स्मूथ कर देंगे बाउल पर लेकर। अभी देखिए चाहे तो आप इसे पूरा कॉर्नर एजेस अच्छे से कटिंग करके नीट भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे इस तरह का रफ भी छोड़ सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया है, इसमें थोड़ा इधर शिफ्ट कर रही हूँ। पूरा इसे अच्छे से और जितना भी एक्स्ट्रा हमें दिख रहा है वो हम कटर से पूरा कटिंग कर देंगे, जितना भी लग रहा है। अगर आप नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते, ये मैंने आपकी चॉइस पे छोड़ा है। इस तरीके से हम पूरा इसे राउंड कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा पूरा बाउल कवरिंग हो गया है, कटिंग हो गया है पूरा। अभी हमें क्या करना है, ये जो मोल्ड है हमारे पास में, ये कोई भी आप मोल्ड ले लीजिए, या पेन का ढक्कन होगा उस तरह का ले लीजिए, कोई भी मोल्ड जिससे हम डिज़ाइन बना सकें आप उस तरीके का मोल्ड आप इसमें इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए ऊपर से हमें ये पूरा प्लेन रखना है, और साइड में से मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए
मैंने इस तरह का देखिए डिजाइन बनाया है, ये आप मार्किंग भी देख रहे हैं मेरे पास, ये ट्रायंगल मोल्ड था, देखिए मैं ट्रायंगल मोल्ड से इस तरह का डिजाइन बनाया। आपके पास कोई भी मोल्ड हो, कुछ भी डिजाइन हो, आप बना सकते हैं, सर्कल हो, सर्कल का इस्तेमाल कर करके भी बना सकते हैं। ये मेरे पास ट्रायंगल था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया, बहुत सिंपल है। देखिए इस तरीके एक डिजाइन आप डिसाइड कर ले कि आपको कैसा बनाना है, ठीक है। अब उस डिजाइन के अकॉर्डिंग देखिए बहुत सिंपल है, इसे हमें बस और बाकी को हमें चिपका देना है इसी तरह से, बहुत सिंपल है। और देखिए इसके बाजू में मैंने डाल रखा है, ये मैंने अंदाजे के लिए पहले से हल्का सा मार्किंग ले लिया था डिजाइन के हिसाब से, आप डिजाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं। अच्छे से प्रेस करके देखिए रह गया इस तरह से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आराम से कटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। फिर ट्राई करें जितना हो सके आपका मोल्ड से इसे निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से आप चारों तरफ इस बाउल में डिजाइन बना लेंगे, पूरा इस तरह से कटिंग कर लेंगे और डिजाइन आपके हिसाब से करेंगे। जैसे कि ये मैंने दिया साथ में, देखिए मैंने राउंड वाला रखा है, तो पूरा ये कटिंग होने के बाद में हम नीचे पूरा राउंड राउंड का डिजाइन बनाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे ही कटवर्क बना। ये देखिए हमारा चारों तरफ से ये कटिंग होके रेडी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, ये देखिए हमने राउंड वाला मोल्ड लिया है, छोटा होल है इसमें, ठीक है। उससे अभी हमें रैंडमली, अभी तक हमने लाइन में लिया, कहीं कहीं पे हमने इसे देखिए इस तरह के छोटे छोटे से आप देख रहे होल बनाने हैं। पूरे को हमने इस तरह से होल बना के रखना है और शेप का ध्यान रखना है, अगर ये उठ रहा है ना तो आप इसे थोड़ा सा प्रेस करके यही शेप पे वापस सेट कर दें। ये देखिए इस तरीके से हम इसे पूरा चारों तरफ पूरे बाउल में हम पूरी जगह हम इस तरह के छेद बना देंगे। ये देखिए हमारा बाउल पूरा रेडी हो गया है। देखिए हमने चारों तरफ इसमें किस तरीके से, मैं आपको दिखा नहीं पा रही, ये देखिए किस तरीके से हमने इसमें चारों तरफ छोटे छोटे से गोल गोल छेद बना दिए हैं, ठीक है। अब इसे हम पूरा सूखने के लिए छोड़ देंगे ओवरनाइट, अब जब तक ये सूख के एकदम कड़क नहीं हो जाता तब तक हम इसे पूरा छोड़ देंगे एकदम जमने के लिए, ताकि जब हम निकालें तो हमारी बॉल की शेप एकदम प्रॉपर आए। अगर अभी हम छेड़ेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसलिए पूरी इसे सूखने के लिए छोड़ दें 6 से 7 घंटा, जब तक कि पूरा सूख के एकदम कड़क नहीं हो जाए। ये देखिए हमारा पूरा बाउल ये सूख के रेडी हो गया है। अब इसे हम इसमें से निकाल देंगे, हमारे जो कांच वाला बाउल है वो हम अलग कर देंगे इस पर। ये देखिए ये हमने लगाया था क्लिंग फिल्म, तो इससे आसानी से निकल गया है। अभी देखिए किस तरह से हमारा देखिए पूरा कटिंग वाला बाउल रेडी हो गया है। अभी जो इसके एजेस हैं देखिए एकदम अनफिनिश्ड है, बहुत अनफिनिश्ड है, इसे हम सैंड पेपर लेकर घस के पूरा एकदम स्मूथ कर देंगे इस तरीके से। देखिए सैंड पेपर का इस्तेमाल करके हमें पूरा इसे हम जितना भी ये एकदम अनफिनिश है, अनकटन है, जितना भी ये पूरा इसे पूरा हम स्मूथ कर देंगे। देखिए स्मूथ होने लगा, इसी तरह हम चारों तरफ से इसे स्मूथ कर देंगे। अगर देखिए आपका ये छोटा छेद निकालते समय अगर ये भी अनफिनिश्ड है तो देखिए इसको भी हम पूरा घस सकते हैं। ये देखिए ये स्मूथ हो गया, इस तरीके से हम चारों तरफ से जितना भी हमारा पोर्शन रफ है पूरे को हम घस कर स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए हमारा पूरा बाउल बन के रेडी हो गया है, इसके देखिए सारे किनारे हमने एकदम स्मूथ कर दिए हैं। ये देखिए चारों तरफ से, अब इस पर देखिए आपकी चॉइस, आप इस तरह का भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस पर पेंट करेंगे। इस पर पेंट करके भी बहुत अच्छा लगेगा, नॉर्मल एक्रेलिक पेंट है इस पर यूज करने के लिए। देखिए कलर कोई भी आप ले सकते हैं, मैंने नॉर्मल एक्रेलिक पेंट लिया है इस पर करने के लिए। और स्पंज का इस्तेमाल किया है मैंने इस पर, ब्रश से भी कर सकते हैं स्पंज से भी कर सकते हैं, बट मैंने इस पर
स्पंज का इस्तेमाल किया है। ये देखिए इस तरह से लेकर आप पूरे को आप कलर करेंगे इस पर। और देखिए कलर की कोटिंग अच्छे से करें, एक बार सूखने के बाद एक और कोटिंग कर दें इस पर, ताकि कहीं से भी एमसिल का जो वाइट पोर्शन है वो हमारा ना दिखे, छुप जाए। थोड़ा सूखने के बाद करेंगे तो देखिए डबल कोट भी आराम से होगा। ये मैंने गीले पे किया है, फिर भी देखिए काफी ढक गया है। ये देखिए इस तरह से पूरा अच्छे से हम कलर इस पर पूरे पर कोट कर देंगे, अंदर से भी और बाहर से भी। ये देखिए पूरा पेंट होके हमारा बाउल रेडी हो गया है। अब आप चाहें तो इसे सिंपल इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो हल्का फुल्का इस पर डेकोरेशन भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास भी कुछ इस तरह के कुंदन के स्टोन थे, तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ इस पर अभी। पहले मैंने इसे सोचा नहीं था, लेकिन जिससे बनता गया तो ऐसा लग रहा है कि इस पर थोड़ा सा हम डेकोरेशन कर दें तो बहुत सुंदर लगने लग जाएगा ये। ये देखिए इस तरह से हमने इस पर थोड़ा थोड़ा सा फेविकोल लगाकर कॉर्नर्स पर हम ये स्टोन्स लगा देंगे, अंदाजे से थोड़ी दूर पर, थोड़ा सा जैसे शाइन आ जाए बाउल में तो बहुत सुंदर लगेगा। और चाहे तो यहाँ पर जैसे हमारे जो हमने कटिंग किया है, कटवर्क जो हमने किया है कि उस पर भी हम इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टोन की जरूरत नहीं, कहीं कहीं ताकि शाइन आए तो बहुत सुंदर लगे ये बाउल। इस तरीके से हम थोड़े से यहाँ पे बीच में लगा लेंगे और थोड़ा एक राउंड हम ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए हमारा फैंसी बाउल रेडी हो गया है, पूरा कटवर्क का हमारा एमसिल से बना हुआ बाउल है। ये देखिए साइड में भी हमने स्टोन लगाए हैं, थोड़ा सूखने का वेट करना होगा। देखिए सिंपल सी एमसिल से हमने एक बाउल बनाया है। आप और भी कोई चीज बना सकते हैं, छोटे से छोटी सी कटोरी बना सकते हैं, या आप दिया स्टैंड बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो इस तरह का हम आइडिया यूज करके बना सकते हैं एमसिल से। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।